पुलिस ने हमें बुलाया है, उन्हें कोई आदमी बेहोश पड़ा मिला तो इसीलिए उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया है, तो हम जा रहे हैं। पुलिस को जरूर जरूर गलत फहमी हुई होगी, वो आदमी कोई और होगा, लेकिन वो इतनी रात को कहाँ है? उन्हें नहीं पता कि कियारा उनकी बेटी है, लेकिन वो कियारा से इतना प्यार करते हैं, उसी के एक्सीडेंट को लेकर परेशान होंगे और कहीं अकेले। मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था, अब कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? उस तरफ, उस तरफ। कहाँ है वो? पता नहीं, लोग इतना दारू क्यों पीते। लो एक और चल वसा। मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? अब मैं घर पे क्या जवाब दूंगा बल्लू? आपका दिमाग तो खराब नहीं है इंस्पेक्टर? आपको इतनी खबर नहीं है कि रॉकस्टार अभी कौन है? आपने बिना जाने पहचाने हमें यहाँ पर बुला लिया। You're gonna pay for this. I'm sorry, Mr. Purab. मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको बताने वाला था कि ये मिस्टर अभिषेक मेहरा नहीं है। I'm sorry. It's okay. Thank you, Inspector. लेकिन अगर ये अभी नहीं है तो अभी है कहाँ? कहाँ ढूंढे उसे? नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें, अभी बहुत कुछ जानना है उन्हें, मेरे बारे में, उनकी कियारा के बारे में। डोंट वरी मामा, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि सुपरमैन का ब्लड अब मेरे अंदर है। लाखों लम्हे कटते नहीं है, साया तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं है, साया तेरी यादों के हटते नहीं। फिर भी बादल छटते नहीं है, खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं। सुनिए, तू बता, रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। क्या कर रहे हैं आप?
चले गए थे सब। शराब क्यों पी रहे हैं? आपको पता है इतने नहीं संभलती आपसे शराब, फिर भी क्यों पीते? क्यों तुम्हारे पास एक क्यों है? मेरे पास बहुत सारे क्यों है। मैं तुम्हारे एक क्यों का जवाब दूंगा, क्या तुम मेरे बहुत सारे क्यों का जवाब दे पाओगी? चलो एक काम करते, तुम मेरे एक क्यों का जवाब दो, मैं तुम्हारे हर क्यों का जवाब दूंगा। नशे में तुम्हें मेरा नशा दिख रहा है, मेरी तकलीफें दिख रही है ना, रो रहा हूं मैं अंदर से। मालूम है तुम्हें? मालूम है मुझे कुछ सब नहीं मालूम तुम्हें, कुछ नहीं मालूम। तुम्हें नहीं पता कि मुझे पता है। You know I love you। आप देखिए प्लीज, इस वक्त घर चलिए मेरे साथ प्लीज। तुम्हारे पास मेरी खुशी है प्रज्ञा, वो मेरा घर है। आप होश में नहीं है? हूँ मैं होश में। आप चलिए चलिए। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं इन्हें कियारा के बारे में पता तो नहीं चल गया? इन्हें कैसे पता होगा? दिशा ने बताया नहीं, किसी और बात के लिए बोल रहे होंगे। आप प्लीज पी लेते इतनी जा। प्लीज यहाँ खड़े रहे प्लीज, मैं गेस्ट रूम ठीक करके आती हूँ, ध्यान रखिए। प्लीज खड़े रहे प्लीज फॉर मी। चाची, लेकिन ये गेस्ट रूम में क्यों सो रही है? आया था क्या? उठे चलिए उठे। ये रख। हाँ हाँ प्लीज ये रख। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरे कमरे की लाइट्स कैसे ऑन हुई? शायद मैं ही ऑफ करना भूल गई। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा? अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशी या रो लूं जरा, मर जाऊं या
तुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा सब ठीक तो है? प्रज्ञा, प्रज्ञा दरवाजा खोलो, सब ठीक तो है? प्रज्ञा, प्रज्ञा सब ठीक तो है? अब सब ठीक है, मैं सो रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो अचानक तुम्हारे कमरे से आवाज आई। कह रहा ठीक है ना? आवाज वो कियारा रो रही थी ना, उसकी आवाज सुनी होगी आपने। नींद में ऐसे कैसे रोने लगेगी? देखो तो नहीं, वो बहुत मुश्किल से सुलाया उसे, उठेगी तो फिर रोने लगेगी। ठीक है, दरवाजा बंद कर लो और सो जाओ। और हाँ, कियारा अगर फिर से उठ के रोने लगे तो मुझे बुला लेना, मैं कियारा को संभाल लूंगी, सुला लूंगी अपने पास उसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, वो सो गए, आप जाइए। गुड नाइट। चलाने से दिमाग नहीं चलता है। मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ आलिया? क्या भी गया कहाँ होगा? यहाँ तो वो कियारा का सच बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए किसी को फेस नहीं कर पा रहा। यहाँ तो सच जानने के बाद वो प्रज्ञा से झगड़ा करने गया होगा, या बात भी करने गया हो कि चलो फैमिली तो बनी गई है, अब घर चलो। तनु, तुम मुझे शुभ शुभ बोलने के लिए कहती हो लेकिन खुद अपशगुन जैसी बातें करती रहती हो। तुम्हें पता है ना
दादी कहती है कि एक ही बात अगर बार बार बोलते रहो तो वो सच हो जाती है, इसलिए क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कि फाइन, नहीं करूंगी मैं बातें, कि यू टेल मी मैं क्या करूं, मतलब क्या अभी गया कहां होगा? शायद प्रज्ञा ने उसे अपने पास बुला लिया और अपने पास ही छुपा के रख दिया होगा। बच्चे हैं क्या भाई, जो अपने पास बुला कर बिठा लेगी, किडनैप कर लेगी, या कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये प्रज्ञा क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती। बदला? कैसा बदला? अरे यू रिमेम्बर जब उसकी शादी हुई थी एंड वो अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी क्योंकि अभी घर पे था ही नहीं, तो वो अभी को ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई थी और अभी को मेरे साथ देखे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी, और उसी चीज का आज वो मुझसे बदला ले रही है क्योंकि अब मैं अभी की बीवी हूँ, तो वो अभी को अपने पास रखना चाहती है। प्रज्ञा तुम्हारी जैसी नहीं। What do you mean कि प्रज्ञा मेरी जैसी नहीं? मतलब ये कि अगर प्रज्ञा को पता चल जाता कि भाई कहाँ है तो वो सबसे पहले हमें बताती, क्योंकि उसे पता है कि हम कितने परेशान हैं भाई को लेकर। तुम वो नहीं करती। प्रज्ञा इतनी अच्छी भी नहीं है जितना तुम उसे बना रही हो। वो बहुत डिप्लोमेटिक है, अपनी इमेज बिना खराब किए किसी और की इमेज कैसे खराब करनी है ना, बहुत अच्छे से जानती है वो। एक्चुअली यू नो व्हाट, यू आर राइट, प्रज्ञा मेरे जैसी बन भी नहीं सकती क्योंकि मैं जो हूँ जैसी हूँ मुंह पे हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आती। लेकिन अगर मैं जैसा सोच रही हूँ प्रज्ञा ने वैसा कुछ भी किया ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। प्लीज यार तन, ये जान लेना है ना तो छोड़ ही दो तुम। क्या कर लिया तुमने पिछली बार? वो झूमर गिराया था, वो प्रज्ञा तो मरी लेकिन जॉन को जरूर मारना पड़ा, और निखिल को तुम्हारी लाइफ में वापस आना पड़ा, जिसके पीछे पुलिस पड़ी, वो पकड़ा गया तो हम पकड़े गए। इसलिए तुम ऐसे प्लान ना तो बनाया करो ना उनके बारे में सोचा करो, और अगर कुछ सोचना है ना तो ये सोचो कि इस वक्त भाई कहां पर है। जब मैं रास्ते से आ रहा था ना तो दादी मिली मुझे आशीर्वाद दे रही थी ऐसे रास्ते में खड़े होकर, मुझे कहा कि भगवान तेरी सारी मुरादें पूरी करे। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ, ऐसा क्या है जो तुम चाहती हो, ऐसा क्या है जो भगवान चाहता है। फिर दिमाग में एक ही चीज आया, बेटी। और आप इतना श्योर कैसे हो रहे? मेरी कातिल निगाहों वाली बीवी, हमने कह दिया ना बेटी होगी तो मतलब बेटी ही होगी। लेकिन उसमें तो आपका नाम लिखा है। हाँ, क्योंकि बेटी जो है वो बिल्कुल मेरी तरह होगी, मतलब मेरे ऐसी शक्ल, मेरे ऐसी अकल, मेरे ऐसा स्टाइल, मेरे ऐसा एटीट्यूड, मेरे ऐसा टैलेंट, मेरे ऐसा सब कुछ आपके जैसा, मेरे जैसा कुछ नहीं। अब गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने मेरा नाम क्यों चूज किया? अब देखो, अब बेटी जो होगी ना मेरे ऐसी होगी तो मैं बहुत पोसेसिव होने वाला हूँ, मैं उसे दूसरे कमरे में सोने नहीं देने वाला, हम तीनों एक ही बेड पर सोएंगे, वो मेरे राइट पर सोएगी, तू मेरे लेफ्ट पर सोएगी और मैं बीच में। राइट में क्यों, बीच में क्यों नहीं? क्योंकि मेरी और उसकी ज्यादा जमेगी ना, तो ऑब्वियसली वो मेरे राइट पे ही सोगी। हाँ, फिर हम एक साथ उठेंगे, कुछ एक साथ नाश्ता करेंगे, कुछ एक साथ रेडी होंगे, कुछ स्कूल भी उसके साथ चले जाएगा, वो आपके साथ रिकॉर्डिंग में चली जाएगी। तुम जलस क्यों हो रही हो? अब मैं उसका फेवरेट हूँगा तो हूँगा ना, फिर सारी चीजें हम एक साथ ही करेंगे, उसमें जलने वाली क्या बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे प्यार के बीच में किस नाम से बुलाएगी? मुंगेरी लाल। मुंगेरी लाल के जरूरत से ज्यादा सपने देखने वाला। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि हमें बेटी होने वाली है? क्योंकि बेटी होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं? चलो फिर चांस पे चांस करते हैं। नहीं समझे? आपका सपना सच हो गया।
आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसी है, आपकी तरह चलती है, आपकी तरह शरारती, लेकिन आपके पास नहीं है। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? I'm really sorry, लेकिन हमारे पास ये लम्हा है ना, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, जिसका सपना आपने देखा था। आपकी राइट में आपकी बेटी, जिसके आप सुपर हीरो हैं, और मैं आपके लेफ्ट में हमारी फैमिली।